एक्टिव के रूप में हर जगह फैला हुआ है जम्मू कश्मीर कवरेज ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग यू आर चेकिंग पब्लिक रिएक्शन कि उन्होंने बताया कि सरकारों ने जो जमीन दी थी और बीच में जो विधानसभाएं पड़ती हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दूसरी बात ये है कि बीजेपी के साथ उसने अलायंस कर लिया, बीजेपी के साथ वो मिल गए। इशू यहाँ पे उतरा है, आम जन कह रहा है कि है वो 10 साल तक चुनाव न होने के वो भी है। मेरे हिसाब से टूरिस्ट पैलेस हर जगह सेंसे की महिलाओं का इशू आपने क्या तो महिलाओं से क्योंकि समाज से हम महिलाओं से आप पॉलिटिकल इशू पे बात करो एक तरीके से खाना कैसे और आंखों की देखी ही मान तो यहाँ आने से डरते भी हैं तो डरने वाली बात है हिंदुस्तान के इलाकों ठीक वैसे की यहाँ पर तो दिसंबर में वहाँ पर भी और हरियाणा मैंने उसको छोड़ दिया और आज मैं मीडिया पर्सन गुड सर ये आपकी दयालुता है मीडिया पर्सन बनो बिजनेसमैन मत बनो तो यस गाइस वी आर ऑन पापासॉरी एंड अभी हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले हैं एक न्यूज रिपोर्टर मिले हैं यहाँ पे जे एन के में अभी हम लोग लाल चौक पे हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि उनका इलेक्शन का कवरेज कैसा रहा है एंड दिस इज द लाल चौक गाइस एंड वी आर हेयर राइट तो ब्रदर तो यस ब्रदर वेलकम ऑन पापासॉरी तो ब्रदर व्हाट्स योर नेम ब्रदर डॉक्टर नीरज मेल हियर अच्छा यहीं के हो No, I am from Rajasthan. Rajasthan se ho aap? Achha, achha, achha. We are reporting for election coverage. Yeah, yeah. And election coverage ke dauran hum us perception ko check kar rahe hain. Haan. Jo narrative ke roop mein har jagah phailaya. Phaila hua hai. Jammu Kashmir ko lekar, Jammu Kashmir ke logon ko lekar. और जो सियासती जो गलियां हैं गलियारे हैं जो चर्चाएं हैं उनको लेकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर कब आए कौन से डेट को आए और कितना दिन आपको हो गया यहाँ पे अभी हमें 5 दिन का समय हो गया है 5 days हो गया आपको मींस आप 18th को आए थे यस 18th को आए थे अच्छा तो ब्रदर आप 18th को आए तो 18th को कहाँ लैंड किए फर्स्ट रिपोर्टिंग आपने कहाँ किया था अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हमने पहली रिपोर्टिंग की थी कठुआ जिले के जसरोटा विधानसभा में ओके तो इट वाज पॉलिटिकल रैली नो इट इज इलेक्शन कवरेज ग्राउंड रिपोर्टिंग यू आर चेकिंग पब्लिक रिएक्शन या व्हाट रिएक्शन पब्लिक है व्हाट द issue yeah. on which they are talking and vote. They are proceeding for the vote. election yeah, and yeah. vote. Yeah, yeah. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया मुझे कि आप 18th को आए थे यहाँ पे और आपने कठुआ में फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई तो आप कठुआ का क्या है मतलब आपकी का कठुआ में ज्यादातर जो जम्मू कश्मीर से वहाँ से लोग आए यानी कि एक तरह से आप मान सकते हो कि रिफ्यूजी आए थे 1947 तो उनके कुछ इश्यूज हैं उन इश्यूज पे हमने बात की उन्होंने बताया कि सरकारों ने जो जमीन दी थी वो जमीन आज तक उन्हें नहीं मिली और उन्हें किस तरह से एक रिफ्यूजी के तौर पर ही आज रखा जा रहा है तो उनकी वो चीज जानी प्लस से यहाँ के जो नेशनल हाईवे है 42 जिसकी वजह से बिजनेस विस्थापित हो चुके हैं अच्छा तो कवरेज किया तो ऐसे कई मुद्दे हैं प्लस से जो जनरल ग्राउंड के मुद्दे होते हैं वो तो है आप जैसे कठुआ से आप कहाँ पे से उसके बाद में हम विजयपुर आए अच्छा विजयपुरा के बाद में हम आपके आगे विधानसभा है वहाँ हमने सांबा वहाँ कवरेज किया अच्छा उसके बाद हम जम्मू आए और बीच में जो विधानसभाएं पड़ती हैं वो भी हमने तो आपका कटरा गए ओके तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कौन सा आपका चैनल है और किस पे आप रिपोर्टिंग करते हैं वैसे अपना अखबार है खबर गवाह कहाँ पे है ये अपना यूपी चलता है राजस्थान चलता है हरियाणा चलता है ओके तो लास्ट लोकेशन से कहाँ है उसके बाद लास्ट लोकेशन तो
परसों नाइट से आप श्रीनगर में हो? हाँ, श्रीनगर। तो श्रीनगर में आपने कौन कौन से लोकेशन कवर किया? श्रीनगर में भी a lot of location we have covered, like this बड़गांव है। अच्छा। recently जो मीर काशिमगिन है, पानसाहिब है, तो ये सारी लोकेशन से, या आप बात कर लें जो पथवा जो आप लोग कवर कर रहे थे, तो आपने कौन से तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ऑफिस से आस्क करते थे? हमारा जनरली एक क्वेश्चन होता है कि इलाके के मसला क्या है। अच्छा, यानी इश्यूज क्या है, उन पे बातचीत करते हैं, फिर वो लोग बताते हैं। कुछ लोग यहाँ पर क्या है, एक चीज ये भी है कि लोग कैमरे के सामने आने से घबरा रहे। अच्छा, ये तो रियलिटी है। ये रियलिटी है जिसको हमें स्वीकार करना होगा, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दूसरी बात ये है कि जम्मू कश्मीर के विकास की जितनी बात हो रही है, उतनी बात जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं हो। देखिए, जमीन से जुड़े हुए जो आम नागरिक है, उनकी बात होना एक हिस्से में है और विकास की बात होना दूसरे हिस्से। वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने, मेरे को काफी सही लगा आपका बात। सर, तो बोलिए, यहाँ पे लाल चौक और श्रीनगर वाले एरिया में, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन डोमिनेट करेगा? देखिए, बेसिकली एनसी जो है वो लीड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, और पीडीपी को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि बीजेपी के साथ उसने अलायंस कर लिया, बीजेपी के साथ वो मिल गए इसलिए। अच्छा। और बाकी के अगर बेनिफिशरी किसी को होगी सिचुएशंस, तो सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कांग्रेस, कुछ सीटें हैं जहां से बीजेपी जीत सकती है, जीत करेगी। हाँ, कहाँ से लगता है, कौन से एरिया? बहुत सारी, चार पांच सीटें हैं, जैसे आपके जम्मू के नीचे का हिस्सा है, वहां पर कुछ मात्रा में यूं देखा जा सकता है कि बीजेपी को टिकट मिले, बेनिफिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार बने। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 370 का क्या मतलब यहाँ पे? 370 का बहुत इशू यहाँ पे उठ रहा है। आमचंद कह रहा है कि 370 के बाद जो लोग हैं वो, पहले तो ऐसा था कि कोई इशू नहीं है, लेकिन अब ये लगने लगा कि नहीं, 370 ही इशू इंपैक्ट है, मतलब उसका। और 370 का इंपैक्ट इतना है, पीडीपी का शायद सफाया हो जाए, जस्ट बिकॉज़ दे हैड अलायंस विद बीजेपी। बिल्कुल, या और इन्हीं के कारण ये हुआ। और इन लोगों में जो एक नाराजगी है, वो 10 साल तक चुनाव न होने की, वो भी है। और स्टेट हुड कितना बड़ा इशू है यहाँ पे, स्टेट हुड वो तो है ही, नेचुरल है, वो तो नेचुरल है, तो उसमें तो कोई ऐसी दो राय बनती नहीं है कि स्टेट भी का मैटर यहाँ पर नहीं वेरी करता है, वेरी भी करता है और कैरी भी। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सिर्फ पब्लिक रिएक्शन दिया है कि आपने यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशन भी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता इन चीजों में कि हम टूरिस्ट को कवर करें। बाकी मेरे हिसाब से टूरिस्ट पैलेस हर जगह सेम से ही होते हैं। अच्छा। हालांकि हमने देखा है, जैसे मान लो कि कृष्णा, एक लंबी चढ़ाई है, उस चढ़ाई के बाद आपको थकान इतनी आ जाती है। हमने कई लोगों को उससे पूछा है, तो कई लोगों ने कहा है कि अब दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा भी। काफी यूनिक पर्सपेक्टिव देखते हुए सर, और पापा सॉरी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो आपने इतने सारे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया यहाँ पे, तो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त मतलब महिलाओं का इशू आपने क्या? तो महिलाओं से हमने काफी बातचीत की है, हालांकि यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि महिलाएं बात नहीं, और महिलाओं को बात नहीं करनी चाहिए। सोशली देखा जाए तो कुछ हद तक इन लोगों की ये बात सही भी, क्योंकि देखिए आपके रिवाज होते हैं, आपकी संस्कृति होती है, तो वो जिस तरह से आपको परमिट करती है, उसी के आप लिमिट के अंदर रहकर
आपको काम करना चाहिए, क्योंकि समाज से हम हैं, हमसे समाज। वाओ, तो ये चीज यहाँ भी देखने को मिली, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी ये चीज देखने को। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो फीमेल है वो मतलब ऑन कैमरा विथ फेस नहीं आना चाह रहा है? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि विथ फेस नहीं आना चाह रहे या फेस के साथ आना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि महिलाओं से आप वही सवाल करो जो उनसे संबंधित है। महिलाओं से आप पॉलिटिकल इश्यू पे बात करोगे तो महिलाएं अपने जो होम मिनिस्ट्री है उसको संभालती हैं, तो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगी। एक नाई से आप जाकर पूछोगे कि लड्डू कैसे बनता इट इज रॉन्ग क्वेश्चन है ना yeah. एक हलवाई से जाकर पूछोगे कि कपड़े कैसे धुलते हैं है ना, तो ये वही चीजें हैं। एक सैनिक से जाकर पूछोगे कि भाई जो है एक तरीके से खाना कैसे खाया जाता है, सोया कैसे जाता है, ऐश कैसे की जाती है, तो वो चीजें नहीं है, है ना। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या लोग कैमरे पे इसलिए नहीं आना चाह रहे क्योंकि जो कैमरे पे आता है कुछ अगेंस्ट में बोलता है गवर्नमेंट के, वो क्या मतलब उनको पुलिस को उठा के ले जाती है शाम को, ऐसा कुछ सुनने में आया था आपको? हाँ, सुनने में तो आया था, लेकिन इसको हम इस तरह से मान भी नहीं सकते। अच्छा, देखो एक कहावत है कि चांद की चांदनी और आंखों की देखी ही मान। तो हमारे सामने ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है जिसके आधार पे खबर गवाह ये रिपोर्ट कर सके कि ये ले जाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं तो हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो कोई एक पर्सपेक्टिव के अंदर बोल रहे हो, एक जो फिनोमिना बनाई हुई है उसके अंदर हो, है ना। तो हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी मेरे को यहाँ लगा नहीं कि ऐसी कोई इश्यू है, और लोग यहाँ आने से डरते भी हैं, तो डरने वाली बात भी नहीं है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, आम लोगों के पास गया हूँ, खेतों में गया हूँ, मतलब एक गांव के अंदर भी गए हैं, घर के अंदर भी बैठ के बातचीत की, तो ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है। लोग खुश होते हैं, लोग आपको मेजबान करते हैं, और इतने साफ दिल इंसान है कश्मीर के लोग कि जैसे बाकी के इलाकों में है, हिंदुस्तान के इलाकों ठीक वैसे ही यहाँ पर। आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है? मेरा अनुभव सर, बहुत सर, बहुत बढ़िया आपने बात कही। मेरा भी एक्सपीरियंस सिमिलर टू आपकी तरह ही रहा है, मैं भी यहाँ पे एक हफ्ते से हूँ। और सर आपसे और सर कुछ एक क्वेश्चन, हाँ सर, यहाँ पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब क्या तैनाती ज्यादा है क्या? देखो जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी रिसेंटली राजस्थान में चुनाव हुए थे दिसंबर, तो दिसंबर में वहां पर भी थी, और हरियाणा में है तो हरियाणा में भी है, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। हाँ, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, और वो सारे सर्क्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से है, कनेक्शंस हैं उनकी वजह से है। तो अपन ये माने कि भाई नहीं, विश स्पेसिफिक जो है यहाँ ज्यादा किया गया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आप क्या करते थे सर, जैसे मीडिया आप 21 में स्टार्ट किए, उससे पहले? उससे पहले मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। अच्छा, वाओ। फिर मैंने उसको छोड़ दिया और आज मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू आर एंजॉयिंग द मीडिया एज अ करियर? आई एम एंजॉयिंग। ओके, तो आप ऐसा मिस नहीं करते हो कि आप अभी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हो यहाँ पे एंड फैमिली इन योर? क्या फर्क पड़ता है? है, हम जाट हैं। अच्छा, तो इन चीजों के बारे में केयर नहीं करते हैं। अच्छा, हम डरते तो है ही नहीं। सर, योर मिस्टेक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब गिविंग द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एज ए भगत सिंह टाइप। इट इज लुकिंग गुड सर, ये आपकी दयालुता है जो हमने हमें इस चीज से नवाजा। बेसिकली yes, देखो बिजनेस करना है ना, हाँ सर, तो बिजनेस ही करो। अच्छा, कुछ भी मत करो, और बिजनेस नहीं करना है तो नौकरी करो। नौकरी करो, आपका ये मानना है? हाँ, मेरा ये मानना, और हकीकत भी यही होती है। एक नौकर कभी बिजनेस नहीं कर सकता,
और एक बिजनेसमैन कभी नौकरी नहीं कर सकता। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर अब मैं बता दूं कि मैंने 2012 में डॉक्टरेट किया था। अच्छा, डॉक्टरेट नहीं, वाच व्हिच फील्ड? पीएचडी कॉमर्स। ओके ओके। उसके बाद में मैंने 2013 में एडमिशन लिया था एमजेएमसी में। ओके। 15 में मैंने मास्टर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया राजस्थान विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं डिलीट स्कॉलर बन गया। अभी अपनी डिलीट चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, डॉक्टर लिटरेचर जिसको। ओके ओके ओके। सो वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? जस्ट टू इयर्स। हां, आई नीड मोर। ओके ओके सर। अब मैं आपसे थैंकिंग मैसेज देना चाहूंगा सर कि सर आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात किया, एंड यू आर सो फ्रेंडली विथ मी एंड यू हैव शेयर सो मेनी डिटेल्स ऑन दिस Papasorry चैनल। सर उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। ओके सर। ओके सर, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और लास्टली आई वुड लाइक टू सबमिट दिस। एक तो ये है कि आप अच्छे से आगे बढ़ो। या मीडिया को अगर करियर बनाना चाहते हो तो मीडिया पर्सन बनो, बिजनेसमैन मत बनो। या और फाइनली जो बात है वो यही है कि आप सबके साथ सामूहिकता रखो, सबको सहयोग करो। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। वाह सर, तो आप शेयर कीजिए और हमारे पेज पे भी आप शेयर कीजिएगा, हम शेयर करेंगे। यस सर, व्हाई नॉट सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभ कामनाएं।